जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कन्या सुमंगला योजना की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी सरोजीत सिंह, एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार, बीएसए बीएन सिंह, डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, प्रधानाचार्य रेमी यादव सहित सभी एसडीएम और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने बताया कि प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना बनाई गई है। इस योजना के क्रियान्वयन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवधारणा सुदृढ़ होगी तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना से जहां बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास के लिए नए अवसर प्रदान होंगे, जिसके फलस्वरूप जहां एक तरफ कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों के रोकथाम के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिका के जन्म होने पर 2,000 रुपये, बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरांत 1,000 रुपये, कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश लेने के उपरांत 2,000 रुपये, कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश लेने के उपरांत 2,000 रुपये, कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश लेने के उपरांत 3,000 तथा ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो उनको 5,000 एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत देय धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से उनके खाते में सीधा हस्तांतरित किया जाएगा, जिसका लाभ बेटियां उठा सकेंगी। बताओ इस पे क्या बच्चियों के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा और कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगेगा सर, और साथ ही सर जो समाज लिंगानुपात की स्थिति स्थापित होगी, बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर भी सर इस योजना के माध्यम से काफी हद तक रोक लगा सकता है। 2,000 रुपये द्वितीय चरण में सर बालिका की एक वर्ष की संपूर्ण टीकाकरण होने पर सर 1,000 रुपये और द्वितीय चरण के अंतर्गत सर कक्षा जो बालिका कक्षा 1 में प्रवेश लेगी तो सर 2,000 रुपये, चतुर्थ चरण में सर जो बालिका कक्षा 6 में प्रवेश लेगी तो 2,000 रुपये, पंचम चरण में सर जब बालिका कक्षा 9 में प्रवेश लेगी तो सर 3,000 रुपये, और छठे चरण सर लास्ट चरण में जो बालिका 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में सर एडमिशन लेगी तो उसको 5,000 रुपये दिया जाएगा सर। स्नातक के डिग्री में एडमिशन तक 15,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी सर। इसमें सर पात्रता भी दिया हुआ सर, इसमें उत्तर प्रदेश का निवासी सर पहला है, दूसरा सर परिवार की आय 3 लाख या उससे कम हो सर, चौथा सर जो है इसमें कंडीशन सर जो इम्पॉर्टेंट है सर, इसमें यह है कि परिवार में कोई भी बच्चे आकार जो परिवार का हो सर, दो पति पत्नी और 2 बच्चे तभी इस योजना का लाभ मिलेगा सर। अगर 2 बच्चियाँ हैं और उसमें से कोई अडॉप्टेड है तो इसको जो है सर बस एक सुविधा दी गई कि सर अगर कोई चाहे सर वीडियो सर्विस करा लेंगे तो एडीएम सर्विस करा लेंगे सर, और सर आगे की प्रक्रिया भी सर वो सिर्फ ऑनलाइन ही चलेगी, हत्यापन की प्रक्रिया और उसके बाद स्वीकृति की प्रक्रिया जिले स्तर से और पेमेंट की प्रक्रिया सब ऑनलाइन होगी सर। ज्वाइंट खाता नहीं है सर, जब तक बच्ची नाबालिग है जैसे बच्ची पैदा हुई तो उसमें अभिभावक के खाते में जाएगा सर, बच्ची के बालिग होने पर तो वो सर उसको सर्टिफिकेट कर देना सत्यापित हो आवेदन के साथ समय करना है सर। किसी में सभी पहले तो वही है बीएससी सीएस में
रहा है।